जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में बहुत से लोगों के डाउट्स थे और सबसे ज्यादा एक ये इश्यू था कि रूटीन कैसे बनाना है, सीडीएस एग्जाम के लिए अपना डेली रूटीन क्या रखना है। ये दोनों ही लोगों के डाउट थे, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो वर्किंग हैं और अपने वर्क के साथ साथ सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो इसलिए ये वीडियो रूटीन के लिए है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कैसा रूटीन रखना है। मैंने प्रॉपर रूटीन बनाया हुआ है दोनों के लिए ही, स्टूडेंट्स के लिए भी और वर्किंग लोगों के लिए भी। मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैं वर्किंग थी, तो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर आइडिया दूंगी कि आपको किस तरीके से अपना रूटीन रखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन चीजों को चेंज कर सकते हो, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे, या जिन्होंने पहले ही बना लिया है रूटीन अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग फिर इससे सिर्फ एक आइडिया गाइडेंस ले सकते हैं, और जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रूटीन कैसे बनाना है या एकदम से स्टार्ट कैसे करना है, उनके लिए तो वीडियो बेस्ट है ही। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। एक तो ये राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मुझे अभी बहुत अर्जेंट में ये वीडियो बना रही हूँ इन सबको यूज़ करते हुए। तो आपको ये चेक करना है आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में होंगे। या तो आप स्टूडेंट होंगे जो भी शुरू कर रहे हैं, या आप रिपीटर स्टूडेंट होंगे वो जो पहले भी एक अटैम्प्ट या कुछ अटैम्प्ट दे चुके हैं, या आप वर्किंग होंगे और अभी शुरू कर रहे होंगे पहली बार, या आप वर्किंग रिपीटर होंगे कि आप वर्किंग हो, आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, आप दोबारा दे रहे हो। तो आपको फाइनल करना है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आपकी स्ट्रेटजी बनाऊंगी और आपका रूटीन रहेगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, जिसमें 83 डेज बचे हैं। तो सबसे पहले बात करते हो बिगनर्स की, वर्किंग बिगनर्स के लिए और स्टूडेंट बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स के लिए ही ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरे सिलेबस को कम्प्लीट करना। रिपीटर्स को थोड़ा बहुत आइडिया है कि उन्हें किस तरीके से करना है, पर बिगनर्स को पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको दो चीज़ें देखनी है कि वीक पॉइंट्स कौन से हैं आपके टॉपिक्स के और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है, जिनमें फिर आप चेक करोगे कि कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स और आपके वीक पॉइंट्स भी हैं, वो उन्हें तो आपको सबसे पहले करना है। बाद में आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। डिटेल्ड सिलेबस क्या है उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जो बिगिनर हैं आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी आपके कुछ डेली टास्क हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं या जो कॉमन एग्जाम है इंग्लिश का, उसके लिए तो सभी को प्रिपेयर करना है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। डेली आपको एटलीस्ट 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर रूटीन बताऊंगी, अभी बस ये जो कॉमन चीज़ें जो सभी को करनी है वो मैं मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि वोकैब पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश का प्रॉपर पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपको जो भी टाइम उसके लिए सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप फाइनल करो और वोकैब की प्रिपरेशन उस वक्त करो। रूटीन में आपको प्रॉपर बनवाऊंगी डेज के अकॉर्डिंग, लाइक डे 1 डे 2, जिसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं, एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना है एक दिन के। लाइक मैं आपको हिस्ट्री का कोई टॉपिक बता रही हूँ तो आप डे 1 में वो टॉपिक कंप्लीट करोगे, डे 2 में वो करोगे। अगर मैं आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक बता रही हूँ तो डे 1 में आपने वो मेंशन करा, डे 2 में वो मेंशन करा। इंग्लिश का कोई टॉपिक है तो उसके लिए, ये मैं अभी आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट बता रही हूँ, सिर्फ एक रफ स्केच बना रही हूँ आइडिया देने के लिए। अभी मैं आपका प्रॉपर रूटीन आपको बताती हूँ। तो ये है आपका मास्टर स्टडी प्लान, जिसमें यहाँ पे डेज मेंशन है, जो 83 डेज आपके पास बचे हैं। मैंने यहाँ पे सारे डेज इसलिए मेंशन नहीं किए 7 के बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके पास 83 डेज ही हो। जो लोग आज ही वीडियो देख रहे हैं उनके पास 83 डेज हैं, लेकिन जो बाद में देखेंगे उनके पास और कम दिन होंगे। तो इसलिए आप अपने रिमेनिंग डेज के अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना है, हर दिन आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने हैं। इसके दो रीज़न है, एक तो आप बोर भी नहीं होगे जल्दी, सेकेंड आप क्लटर्स लेके नहीं चलोगे कि आप एक ही सब्जेक्ट पे पहले लगे रहो, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करो फिर तीसरा स्टार्ट करो। तो जैसे जो बिगनर्स हैं, डे 1 उन्होंने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया, ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कर लिए, इकोनॉमिक्स में 5-year plans, पॉलिटी में डे 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, साइंस में मोशन का, फिजिक्स का मोशन कर लिया, या अगर
किसी और में बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डे वन सेल एंड टिश्यूज़ के लिए जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, इंग्लिश में नरेशन कर लिया, करंट अफेयर्स में डिफेंस की न्यूज़ कर ली। इसमें भी ये सारे टॉपिक्स, ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जंबल सेंटेंसेस, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पीचेस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको कवर करने हैं। एक और चीज़, इनमें जो फर्स्ट लेटर बहुत से स्मॉल लिखे हुए हैं इन्हें माइंड मत करना, पंक्चुएशनल मिस्टेक समझ के, मैंने बहुत जल्दी में बनाया है इसलिए इनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं ऐसी। खैर, तो लास्ट में मैंने वीकेंड जो आपका होगा वो रिविजन के लिए रखा हुआ है। ये जो भी टॉपिक्स ये सब आप कवर कर रहे हो, लास्ट डे आपको इन्हें रिवाइज करना है। ये नहीं कि पढ़ते चले गए और पीछे का सारा उड़ाते चले गए। तो इस तरीके से आपको बनाना है अपना स्टडी प्लान। अब बताती है रूटीन की, आप टाइमिंग्स क्या रखेंगे इनके लिए। अब जो मैंने आपको डेली टास्क बताया है 5 to 6 में आपको वो कवर कर लेना है इंग्लिश के लिए। आपको न्यूज़पेपर, वो कैब, दोनों ही काम 5 से 6 बजे के बीच कर लेना है, जल्दी उठना है आपको। और जो नाइट आउल्स हैं वो अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो आपको डेली टास्क अपना 5 to 6 में कंप्लीट करना है, उसके बाद 2 घंटे गैप लेके अपना नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके आप 8 to 9 हिस्ट्री कर सकते हैं, या जो भी कोई सा भी सब्जेक्ट आपने पहले उठा लिया। फिर 9 to 10 आपको रखने हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। फिर 10 to 11 आप इको कर लेते हैं। 11 to 12 आप पॉलिटी कर लेते हैं। उसके बाद आप 12 to 2, 12 से 2 का ब्रेक लेंगे, जिसमें अपना लंच, वॉक, पावर नैप, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। फिर 2 to 3 साइंस करेंगे, 3 to 4 इंग्लिश, एंड 4 to 5 करंट अफेयर्स। अब ये टाइमिंग्स मैंने तो बता दिया, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो कंटिन्यूसली 3 या 4 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो अब अपना 2 2 घंटे का गैप बनाओ कि कंटिन्यूसली 2 आवर्स आपने 2 सब्जेक्ट कर लिए, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 2 आवर्स, ये इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये था बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए। अब आप बिगिनर हो और वर्किंग भी हो तो आपको टाइमिंग्स अपनी अलग रखनी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है इन चीज़ों के लिए। तो आप उस केस में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स निकाल लो, या मैक्स टू मैक्स 3 to 4 निकाल लो, या मिनिमम अगर मैं 2 भी बोलूँ तो आप इन्हें हाफ हाफ करके डिवाइड कर सकते हो। हाफ एन आवर आप इनके लिए, हाफ एन आवर इनके लिए, इस तरीके से आप टाइम अपना डिवाइड कर सकते हो। कवर आपको भी ये सब कुछ करना है, बस आपको टाइम डिवाइड करना होगा अपना, क्योंकि सिलेबस वर्किंग लोगों के लिए भी वही है, स्टूडेंट्स के लिए भी वही है। बस टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते जाते हो तो आप अपने रास्ते के टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने यूट्यूब पे इस टॉपिक पे कोई वीडियो देख ली आते जाते, ज्योग्राफी पे देख ली, या करंट अफेयर्स पे देख ली, तो आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट रिपीटर्स की, जो रिपीट कर रहे हैं उनको ये सारे सब्जेक्ट्स रिविजन के तौर पर पढ़ने हैं। उनको सबसे ज़्यादा PYQ सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग से ही, मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिविजन करना है। ये सारी चीज़ें वैसे आप सभी को करनी है, लेकिन जो रिपीटर्स हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग पीपल हैं, सबको अपने हिसाब से ये चीज़ें मैनेज करनी है। अब ये तो मैंने आपका 7 डेज़ का प्लान बनाया था आपको एक डेमो देने के लिए, कि इस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हो। ये मैंने 7 डेज़ तक का बनाया है। नो डाउट आपके टॉपिक्स इन सभी सब्जेक्ट में इनसे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ऐसे हर वीक का प्लान बनाना है, जिसमें वीकेंड अपना रिविजन के लिए रखना है। अब जैसे आप 8th डे का शुरू करेंगे तो हिस्ट्री के लिए कोई और आपने टॉपिक ले लिया, ज्योग्राफी के लिए कुछ और ले लिया, ईगो के लिए कुछ और। अब आपको वो कंटेंट मिलेगा कहाँ से, वो टॉपिक्स क्या हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे? तो उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप उससे भी देख सकते हो, या आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आपको CDS पाथ फाइंडर में भी आराम से मिल जाएगा वो। अगर आप बुक से कर रहे हो तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी इस वीडियो का लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें सिलेबस पूरा मेंशन किया हुआ है, और एक वीडियो में मैंने बुक के भी पेजेस को दिखाया हुआ है, पूरे कंटेंट को दिखाया हुआ है जो उसमें इंडेक्स है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ये है आपका रूटीन प्लस स्टडी प्लान। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक आइडिया के लिए कि आप किस तरीके से बनाओगे अपना प्लान। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आपको इस तरीके का अपना रूटीन रखना है, जो भी चेंजेस करने होंगे वो आप अपने हिसाब से कर लेना इसमें, क्योंकि सबके सब्जेक्ट, स्टडी टाइम, ये मतलब बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लेना।
पर इस वीडियो को वर्थ इट जरूर करना, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, बल्कि फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जैसे तैसे आप लोगों के कमेंट्स की वजह से। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि रूटीन वाली वीडियो नहीं आई, आपने लाइव स्ट्रीमिंग बोला था। सो आई अंडरस्टैंड, टाइम कम है, एग्जाम एकदम सर पे है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको टाइम से रूटीन बना के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। सो या बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।